गीत के बड़ा बढ़िया संकेत दी धवन। फिलहाल में हाल हाल में गीत निकले कोनो भौजाई अपने देवर से कहे खेत परती रहे ट्रैक्टर वाला जात रे कहे ट्रैक्टर वाले अरे 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 क्या है कहे यार ट्रैक्टर वाले आपको खेत जोतना है। यही हमारा खेत है तुमको जोतना है। कहे अच्छा कहा भैया पहले जोताई कहे अरे पहले जोतिए तो फिर आप पैसा लेंगे। तलैकिया कहे मीठा मीठा बोल के तू मुझको फंसाया फार नहीं अंदर ले तुमको धंसाया मीठा मीठा बोल के तू मुझको फंसाया फार नहीं अंदर ले तुमको घुसाया खेत मेरा जोता ही कैसा खेत मेरा जोता है कैसा जोताई नहीं दूंगी एक पैसा और ये परमादरणीय परम श्रद्धेय अम्ब्रेविया प्रदीप पटेल जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 33 सोराव प्रथम भावापुर की धरती से 51 रुपए दे के सम्मान करते हैं अम्ब्रे भैया कुर्सेश्वर में सब सकल पंच को नमस्कार बा। लेकिन पैसा नहीं दिया बा, तू कहे नहीं हो लड़कबा कहा का मीठा मीठा बोल के फंसाना है जरूरी मीठा मीठा बोल के फंसाना है जरूरी जोताई नहीं दोगी तो समझो मजबूरी मर्दवा का नाम देखे मीठा मीठा बोल के फंसाना है जरूरी खेतों में जोतना है यही मजबूरी अरे जोताई नहीं देबू एक पैसा जोताई नहीं देबू एक पैसा तो घुस जाही यादव जी का भैंसा ज्यादा समय ना ले बा मार सब स्वर दे के बा अभी स्टाफ बोला ना अभी फिलहाल में हमारे कृष्ण कुमार रत्नाकर जी हमारे कवियों का स्वागत सम्मान किए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सचिन कवि हमारे कमल कवि और पिता तुल्य गुरु तुल्य के रूप में हमारे राम सूरत दीवाना गुरु जी जो कि इनके द्वारा बड़ा ही मान सम्मान मिलता है। आप लोग खड़े हो जाइए हम भी थोड़ा सम्मान कर लें आशीर्वाद ले लें। त्रिमूर्ति यहाँ
कभी जोर हो बढ़िया से ले आ ए अरे यार विकास दे कैसे घरवा कर गया यार तू घरवान का मामा कर बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऐसे ऐसे गुरु ऐसे ऐसे कवियों का दर्शन होता है। जोरदार ताली आप लोग बजा दी। आप लोग जब हम माला दे रहे थे माले अर्पण कर रहे थे आप लोग ताली नहीं बजाए क्या बात है। जन्म मना बजे हैं अगला जन्म घूम घूम बजे जय राजा। एक हाथ है कि जन्म में ना बजे अगले जन्म में हाई वाला बजी है नहीं ऐसा न करा वो लोग बड़ा तकलीफ सह थी। आइए मार साहब सम्मानित हमारी छोटी बहन सोनाक्षी देवी प्रजापति 21 रुपए देकी समान करती हैं आशीर्वाद की कामना। एक समय सब सकल पंच का नमस्कार बा सब कर देंगे धरती गगन और अपना झुकेगा ये अपना तिरंगा और फिर सरों की चढ़ा देंगे हम और बहा कर रहेंगे आजादी का गंगा। खून से लाल कर देंगे धरती गगन अब ना कभी झुकेगा ये अपना तिरंगा। हमारे
देश के नौजवान की गाथा ही महोत्सव गजल की भूमि की ना ही क्या वही गजलिया कृष्ण कुमार रत्नाकर जी गाए थे कहना बा कहा बे में कहा बे में तेरा जलवा कौसी में नजारा है संकेत करते हैं क्या थे सर बबर नाहर आजादी के दीवाने यही से कहानी की शुरुआत बा की कर है कहवा बा कैसन बा कहना बा का जौहरी में कहना भैया क्या बात है आई काठ लाठी ओठी दे का नहीं भारत की देख की हालत जब वीर बन गए बागी जननी की अब गरिमा को कोई कैसे करेगा दागी करेंगे ते कभी सलामी तोड़ेंगे जुल्म की लाठी तोड़ेंगे अब शिसम से नारी अब एक एकता अब लड़ेंगे जुल्म शिसम से हरी और एक अब एकता यार पीरों की दर्पण के अब भले ही जान जाए अब का करवैया बा तख्ता तो रोइया बा तख्ता नहीं सोचा था हुलम निहरो निहरो जई हैं कहानी की समझ ला भारत की देह की हालत जब वीर बन गए बागी अरे बा अब जननी की गरिमा को कोई कैसे करेगा दागी कहानी की समझा कहानी कैसन बा की करबा कहवा
की बा। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाले बाग में 20,000 क्रांतिकारियों का मेला लगा था। 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाले बाग में 20,000 का क्रांतिकारियों का मेला लगा था। ए बाबू, ए भैया, ए पंचो, उजलियांवाले बाग में एक छोटा से वहां पर चर्चा हुई थी। चर्चा वहां पर कि हमारे देश में इतना उत्पात हो रहा है, ये गुलामी कब तक हम सहेंगे, आजादी हमको कब मिलेगी। बड़ा चारों ओर से चर्चा है, लेकिन ए बाबू, जब जलियांवाले बाग में बड़ा शान से, मान से, मर्यादा से चर्चाएं कर रहे थे कि हम इस कैसे हम इस गुलामी से मुक्त होंगे, घटना घटती है बाबू। उसी समय, उसी दौरान पापी शैतान जनरल डायर उसी जलियांवाले बाग में 18 मिनट लगातार गोली चलवा दिया, तर 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 गोली चलवा दिया। जलियांवाले बाग में क्रांतिकारियों की कितनी की मौत हो गई, 2,000 से ज्यादा मौत हो गई है बाबू। कितने घायल हो गए, कितने बड़ी मट्टी जली रही भाई। उसी भीड़ में अपने पिता के साथ 12-13 वर्ष की एक छोटा सी बच्चा जेके नाम उधम सिंह बा। क्या बात है, जेके नाम उधम सिंह, जिस समय गोली तर 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 चली थी जलियांवाले बाग में, गौर करिएगा, उधम सिंह के पिताजी उधम सिंह को पकड़ के बैठ गए और तर 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 गोली को खा गए, लेकिन उधम सिंह पे कोई खरोंच तक, कोई आंच तक नहीं आई, मर गए। और कहने लगे उधम सिंह बेटा, ये पापी शैतान जनरल डायर की हमारे क्रांतिकारियों में 2,000 से ज्यादा कितने मर गए, घायल हो गए, लेकिन उनका बदला तुम जरूर लेना। 12-13 बरिस की उम्र बा उधम सिंह के, ये बाबू, ये भैया, बड़ा छोटा क्रांतिकारी बड़ा शौक में पड़ गया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पिताजी, जब तक मैं जनरल डायर शैतान को मारूंगा नहीं, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। आग धकधकने लगा, मार सब गीत बा कैसन, आप बड़े भैया जय माता दी ऑटो सेंटर प्रोपराइटर, आप बड़े भैया गुलाब मिस्त्री, एक क्या रुपए दे के सम्मान करती ही, कहना बा मर सब। कोनो दुलहिन की पिया परदेश में, और दुलहिन बड़ा बेताब, हाय कहने लगे क्यों रे, कब का परदेश गए, लेकिन न फूल न चिट्ठी न चौपाटी, किस्मत हमार है मर्दा, कहना बा कैसे मार सब। पिया परदेसिया न भावे या न जाना या चलिया।
बरिश की उम्र बा उधम सिंह के, बदला की आंख धधक रहा है कि जहां मिलेगा जनरल डायर शैतान में इसको मार दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता है, धीरे धीरे बीतल कुछ साल के समय ही या छोड़ के पंजाब उधम गई ले बम्बैया। कोनो दुलहिन अपने सैया से कहे तनी के लैला हो, अरे लैला पलमुआ लैला, तनी के लैला हो पलमुआ हमी के को, तनी के लैला हो पलमुआ, लेकिन कवि जी हमारे लिखे हुई कि उस समय जब नाव डूबती है कहना काबा डूबल धारा बीचे, अरे डूबल डूबल धारा, डूबल धारा बीच रेखा के नवारी, जब उस समय नाव डूबते हुए देखे उसी समय छलांग मार के उधम सिंह समुद्र में कूद जाते ही, जब समुद्र में कूद जाते हैं उधम सिंह तैरते तैरते जाते हैं, जितने लोग नाव में डूबे थे सभी लोगों को बचाते हैं, उसी समय एक रेखा नाम की लड़की है बाबू, ओ बड़े सेठ की बेटी थी, धनपत राव सेठ की बेटी थी, बहुत बड़े इंसान की बेटी थी रेखा, जिस समय जख्मी में जान डाल के उन लोगों को बचाए, रेखा जब उधम सिंह को देखती है देखते ही रह जाती है। अरे बाप, दोनों काम गड़बड़ हो गया। उसी समय रेखा जी कहने लगी आपका नाम क्या है, उधम सिंह ने बताया कि ओ लड़की मेरा नाम उधम सिंह है, क्रांतिकारी, और मैं बदले की आग में धधक रहा हूँ। रेखा पूछती अरे 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 क्या बात है, सही सही बताइए बाबा। रेखा कहती है पहले आप मेरी बात सुने, आप पे मुझे प्रेम आ गया है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। गीत बा मार सब कहना का बा, कोनो लड़की मेला देखेगी जीत कह दी है, लैकवा कहे नया नहर या भिकनिया बाबू,
कनिया पर मेला देखई के जिद कहर तारू हमरा के ये डलला मारू काहे तू झमेला में गोरिया हेरा जाइबू मई हर के मेला में समय उधम सिंह से कहती है रेखा तोहरा बिना हम जी न पाई जिंदगी तोहरे साथ बिताई तोहरा बिना जी न पाई जिंदगी तोहरे साथ बिताई साथवा न छोड़बै तोहर सुनए ये राजा जी अपने जीवन के साथी हमरा के बना ले जी अपने जीवन के साथी कहने लगी रेखा कि ये उधम सिंह आप पे मुझे प्रेम आ गया मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ आप मुझे शादी कर लीजिए। इतनी जब बात उधम सिंह सुनते हैं उसी समय ललकार की कहने लगे ओए दुष्ट लड़की मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला मैं कसम खाया हूँ प्रतिज्ञा किया हूँ जिस समय मैं अपने क्रांतिकारियों को बदला नहीं ले लूं तब तक मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। रेखा देवी पूछने लगी कि बताइए किस कारण से आप मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर रही हैं? बताते हमारे सब गीत बाका गीत पे ध्यान रखिएगा कैसे किसी के काम जो आए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते ने कितनी बढ़िया लाइन लिखी है उधम सिंह कहते हैं क्या वतन की सर जमी पर सर वतन की सर जमी पर सर कटाना हक हमारा है बताते हैं रेखा जी कहने लगी ओ मुझे माफ कर दीजिए मुझे पता नहीं था कोई भी साथ दे या ना दे लेकिन मैं आपसे कसम खा के कहती हूँ कि मैं आपके साथ जरूर दूंगी। उस समय रेखा देवी गई अपने पिताजी धनपत राव सेठ से कहती है कि पिताजी लंदन के लिए दो टिकट कटवा दीजिए
धनपत राव सेठ जी से उधम सिंह से मिलवाती है और सारे परिचय को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, हमें लंदन में जाना है। लंदन? हाँ वही लंदन, जहाँ गांधी जी फांसी दे जाते रहे। हाँ वही लंदन। चुम्मा ले लड़की चुम्मा ले भीमराव छोड़ा रहे हैं। जाते हैं। सही बात, मरी हुई लड़की थी वो, बच गए यही बात से वो बच गए। भीमराव बुला ले रहे हैं। हाँ नहीं कितना भी बचते ना, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए वो मर मिटी, कोई कुछ भी किया हो। उसी समय लंदन जाने के लिए धनपत राव सेठ जी दो टिकट कटवा दिए और एक उधम सिंह की, और ये 51 रुपए दे के सम्मान करते हैं। का करवा गुड़ ही जलेबिया भी चाय पिया में लवा में, कौनो ये धरती पे कौनो चीज कैसन वाकिफ ना है कि के गाना ना बना हो। गाना चला रहे बानी हम ना हिले या जिससे हम पूछे, बानी हम ना हिले या जिससे हम पूछे, हम तारा सैया हम अत्यंत पूछे, बानी हम ना हिले या जिससे हम पूछे, अब तारा सैया हम अत्यंत पूछे। तब ले कवा सिंगर कहे गई या बनाई गई ले पगहा में, हम तारा सैया मोर गैया बनाए गेले पगहा से, आवत रे सैया मोर गदहा से, तीसरा वाला सिंगर खोज के गाए का कहे बेग भरा ल बाटे पैसा से, आवत रे सैया मोर पैसा से। वाह ओका सर सवारी नहीं मिली भाई से? नहीं भाई से मिली, काहे या मदेव भैंसा की सवारी करत थी। और ये बड़े भैया ब्रिजलाल यादव अब्दालपुर की धरती से 51 रुपए देके सम्मान करते हैं। चौथा वाला सिंगर का भोरे भोरे घटना घट गई ले, राजा जी का टेंपू पलट गई ले, का करबे अब ये कबा सिंगर गाइस कैसन पीसा भाई मसाला जम के लोढ़ा से, अमर तारे सैया मोरा घोर तबले हमार कवि जी को है। का पानी भरल बटे मटका में, क्या कर सैया मोरा छटका में। हां बिना झटक कोनो कवि कवियों की खोज है। ऐसा ऐसा गाना बा का करबो भैया मंडी में नींबू खरीद रहे। अच्छा लेकिन उसी समय लंदन के लिए गौर करिए, अभी रहा में बस 10 मिनट का समय बा। लंदन में गए और रेखा उधम सिंह तेरी के भाव में कहना बा मर सब कुर्बानी मान्य भारत देशवा, अरे कुर्बान हो कुर्बानी मान्य भारत देशवा, कर्जा वीर बघेला शेर हिंद सैलानी हो सैलानी। ये बा जिया क्या बात है। उसी समय लंदन में जाते हैं तो वहां पर होता क्या, हमारे सब पापड़ के भाव में कहना है क्या, अरे पहुंचे लंदन के दरमयान जान से मारूंगा, अरे पहुंचे लंदन के दरमयान जान से मारूंगा, अरे जहां मिलेगा गायर शैतान जान से मारूंगा। लेकिन वहां पर करते क्या है, कुछ दिन की बात है, अरे बन के फोटोग्राफर उधम खींचता सबिरिया हो, अरे एक दिन रेखा या के खबर बतावलिया है खबरिया हो, अरे हुआ उधम का काम या सान जान से मारूंगा, अरे हुआ उधम का काम या सान जान से मारूंगा, जहां मिलेगा जहां का सतान जान से मारूंगा।
नाम सदेलाल जी पटेल रामापुर की धरती से 21 रुपए दे की सम्मान करते ईश्वर में सबसे कल्पंच के नमस्कार बा। वहां पे गए उधम सिंह और रेखा लंदन में फोटोग्राफर बन के लोगों का तस्वीर खींच रहे थे, तस्वीर खींच रहे थे। उसी समय उन लोगों के मन में यही था कि हम यही काम करेंगे, किसी ना किसी दिन एक दिन तो मिलेगा वो शैतान जनरल डायर। ए बाबू कुछ दिन की बीतत बा दिन, एक दिन उधम सिंह फोटो खींच रहे हैं लोगों का मेले में जाके, कई जगह जहां पर मंदिरों में जाके। एक दिन खबर आई पत्रकार में छपकर, पत्रकार जो था का आज की ताजी खबर, आज की ताजी खबर, आज की ताजी खबर। उसी समय ए बाबू उरेखा पेपर को पढ़ती है, लिखा था कि किसी कास्टन हाल में, किसी कास्टन हाल में जनरल डायर मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर आ रहा है। और ये परमादरणीय परम सम्मानित बड़े भैया प्रदीप पटेल जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 33 चुनाव प्रथम भावापुर की धरती से 51 रुपए देखी सम्मान करते यहाँ बड़े भैया के बहुत बहुत स्वागत बा, अभिनंदन बा, ईश्वर में सब सकल पंच के नमस्कार बा। किसी कास्टन हाल में आ रहा है मुख्य अतिथि के रूप में। रेखा तुरंत जाके उधम सिंह को बताती है, और ये सुनते ही मां नाग बबूला हो गए। देखते मान की अब तो मेरा, मेरे पिताजी का, क्रांतिकारियों का सपना पूर होगा, मैं अब उससे बदला ले लूंगा। आज बाबू उसी समय कैमरा वैमरा फेंक के और जहां जहां उनके पास गन राइफल छुरी कटार एकदम खोस खास के चल दिए। कैसर मार सब आल्हा की भाव में कहना बा मार सब कैसे। भारत माता की जय बोली के सपुतवा बाबू, कास्टन हाल में जाते हैं और सामने से लोग कहते हैं कि पीछे से वार नहीं, मैं सामने से वार करता हूं। गाय और इतनी बड़ी बड़ी वहां पर हस्तियां बैठी थी, पापी अंग्रेज गए सामने खड़े होकर तड़तर तड़तर गोली चला दी, जाके जनरल डायर के सीने में लगा बाबू। उसी समय जनरल डायर धरती पे बाहर आ गए और हाहाकार मच गई, क्या हो गया क्या हो गया। और हंसते हंसते उधम सिंह एकदम कहने लगी भारत माँ की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माँ की जय। उसी समय उधम सिंह गिरफ्तार होते हैं। मार सब बदल क्या वहा कैसे, होके गिरफ्तार वीर गईल जलिया में, चलल बा मुकदमा केस बनल बरिया, फैसला अदालत के आयल पूछा दिना में,
झांसी के साजा तब सुनावले गद्दा। उधम सिंह को जेल हुआ, जेल में ले गए उनको, बंद किए। कुछ दिन के बाद अदालत से फैसला आता है कि उधम सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया जाए, कि भरे सभा में जनरल डायर को ये कत्ल किए हैं। और हमारे देश में बहुत ऐसे हैं, आजाद सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सरदार सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तमाम लोग ऐसे हैं, लेकिन कम उम्र में सबसे छोटा जिसका नाम उधम सिंह अपने देश लंदन में जाके प्रतिज्ञापुर किया और कम उम्र में आज फांसी पे चढ़ गई। अदालत से आता है कि फांसी पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन ए बाबू वो दिन जब यावत है तो गद्दारों ने, जो जल्लादों ने थे जो फांसी का फंदा खींचते थे गले में ना के कहने, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? उधम सिंह ठट्ठा मार के हंसने लगा, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, मेरा एक अभिलाषा है कि एक रेखा नाम की लड़की है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अंतिम इच्छा मेरी वही है, और रहती है, उनको खबर दिया, रेखा देवी आती है और जाके पैर पकड़ के रोने लगती है कि उधम सिंह मुझे गर्व है कि मैं सुहागन बन के नहीं जी सकी, लेकिन मुझे आप पे गर्व है कि आपकी जैसा वीर इस दुनिया में फिर से आए, और मुझे गर्व है कि मैं विधवा बन के भी जी सकती हूँ। हाथ जोड़ के उधम सिंह कहने लगी कि रेखा जी मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहने की, बोलो क्या बात है स्वामी? कहने लगे कि मेरी यही इच्छा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो इन जल्लादों के हाथों मेरी लाश को नहीं जानी चाहिए, और आप ले जाइए, आप ले जाइएगा अपने हिंदुस्तान में, वहीं पर मेरे लाश को कफन दफन करना। इतने बात कहकर जल्लादों को डांट दिए और फांसी का फंदा चढ़ा के अपने हाथों से डोरी पकड़ते हैं, और होता क्या हमारे सब आखिरी भाव में अरे देख के कुर्बानी है चमन वतन का सीचे बीरवा, अरे देख के कुर्बानी है चमन वतन का सीचे बीरवा, अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींचे बीरवा, कौन करिए ये भैया, ये बाबू, ये पंचो। उसी समय उधम सिंह फांसी का फंदा अपने गले में डालकर अपने हाथों से डोरी को खींचकर अपना प्राण गंवा देती है। लेकिन कहना बा, धन धन वीर हो धन तोरी बिरताई, अरे लंदन में जाके लिया बदला चुकाई, बिचवा अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींचे बिरा, तोहरी वीरताई लंदन में जाके लिया बदला चुकाई, बदला चुका लिया उधम सिंह। बड़े शौक से
फांसी के फंदे पर चढ़ गए और जनरल डायर शैतान पापी मारा गया। लास्ट में गुरु घराने का परिचय मर सब का नायक स्वर्ग गुरु परधारी जग करता गुणगान, अरे कथन किए कमल सिंह यादव शारद का वरदान। अरे कुर्बानी मांगे भारती देशवा, अरे कुर्बानी मांगे भारती देशवा, सोना कमल कभी जी रत हाँ कई भवानी। कुर्बानी मांगे भारती देशवा, इम्तहान लेती है आशिकों की जान, आशिकों की जान लेती है इम्तहान लेती है। मेरे देश की लड़की पहले कबर दी हुई पुलिस में भर्ती, मेरे देश की लड़की माई से भड़की मांगे मोबाइल बड़की। सुना मेरे देश का लड़का, मेरे देश का लड़का बाप से भड़का जा सर का ससुरारी, मेरे देश का लड़का ससुरारी ये कहत हैं मेरे देश के भौजी बड़ी मनमौजी घर में कहीं नहीं लगाऊ जी। हमारे बिरादरी की बेइज्जती कर दो छोड़ा हम। सुना मेरे देश का पत्थर, मेरे देश का पत्थर पहिन के जत्था झोंक रहा है भट्टा, मेरे देश का पत्थर, मेरे देश का पत्थर पहिन की चड्ढा झोंक रहा है भट्टा।